तो हाँ, थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल गया होगा आज की जो तो वीडियो की टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है। तो वो जो टॉपिक है वो तो मैं दिखाऊंगा जरूर 100%। लेकिन तुम लोग ये बताओ, आज जो मेरा जो चश्मा है ना, ये कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैंने इसे ऑनलाइन से परचेस नहीं किया। ऑनलाइन से परचेस करता तो मैं तुम लोगों को भी जरूर दिखाता वीडियो की माध्यम से। लेकिन देखो, ये जो मैंने शॉप पर जाके बाय किया तो कैसा लग रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो अब मैं दिखा देता हूँ जो एडी का स्लाइडर था वो। तो देखो, ये जो स्लाइडर है ना, मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था। तो इसका जो पैकेजिंग है ना, ऐसा ही मुझे मिला था। और एक फ्लिपकार्ट की जो पैकेजिंग प्लास्टिक बैग होता है ना वो था, तो मैं फाड़ दिया पहले से ही। तो ये देख सकते हो, तो इसका ऊपर एडी का लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एडी का जो नेम है वो भी देखने को मिल जाता है इस प्लास्टिक बैग में। तो यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, तो ये जो स्लाइडर है ना, तो देखने में सच में काफी ज्यादा असर लग रहा है। एक्चुअली ब्लैक और ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन में इस स्लाइडर को बनाया गया। तो इसका अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी अच्छा बात है, बुरी बात है, ये तो मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। तो देखो, पहले जो है ना, इसका अच्छा कौन सा चीज है वो मैं बता देता हूँ। ये जो स्लाइडर है ना, इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। और इसका जो ऊपर का जो प्लास्टिक है ना, ये भी काफी सॉफ्ट सा प्लास्टिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो डिजाइन है ना, ब्लैक एंड ब्लू कलर की जो लाइनी लाइनी पैटर्न्स की डिजाइन किया गया है, ये भी काफी अच्छा है। और इसका जो सोल की पैटर्न देख सकते हो, यहाँ पर रोड के ऊपर जिस टाइप के पैटर्न्स देखने को मिलता है ना, उस टाइप की पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और देख सकते हो, यहाँ पर सोल के ऊपर जहाँ पर उंगलियां रहता है ना, यहाँ पर थोड़ी सी हाइट किया गया है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो पैर की जो ग्रीप होगा ना, वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्लाइडर्स है ना, ओवरऑल लुक तो इसका काफी अच्छा है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसका जो पीछे की सोल की डिजाइन। तो यहाँ पर देख सकते हो, सर्किल की अंदर एक होल सी पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ ये जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर इसका जो सोल है ना, स्लिप तो बिल्कुल नहीं करेगा। इस मामले में तो काफी अच्छा स्लीपर लगता है मुझे। और देखो, ये जो स्लाइडर है ना, मैंने इसका साइज बताना भूल गया। यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, मैंने इस स्लाइडर्स को 7 साइज में मंगाया था। और यहाँ पर देखो, सिर्फ 40 on लिखा हुआ है। तो ये चीज़ क्या है मुझे नहीं पता है। और एक पॉजिटिव दिक है इस स्लाइडर पर, कहीं पर भी ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक काफी अच्छा दिक है, मुझे अच्छा लगा, ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलता है। चलो, अब इस स्लाइडर्स को मैं ट्राई करता हूँ पहनने की बात ना, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली तुम लोग देख सकते हो, और काफी कम्फर्ट भी फील हो रहा था। स्लाइडर्स की जो नेगेटिव दिक है ना, वो बताने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो इस स्लाइडर का सबसे बड़ी एक नेगेटिव दिक है, और वो है इसका वेट। जो स्लाइडर स्लीपर्स होता है ना, ये थोड़ा हल्का होता है तो ज्यादा अच्छा होता है, मेरा हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन इस स्लाइडर्स का वेट ना काफी ज्यादा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस स्लाइडर्स को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। वेट काफी ज्यादा है स्लाइडर का हिसाब से। तो देख सकते हो तुम लोग, और तुम्हें थोड़ी बहुत हेवी चीजें पहनने की आदतें है तो तुम एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ये जो स्लाइडर्स है, ये तुम लोगों को कैसा लगा, और ये जो वीडियो है, ये तुम लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस स्लाइडर्स की लिंक हमेशा की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। और इस टाइप की कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो आज के लिए इतना ही है, मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।